तो जो जमीन होता है वो अपने फेस पे है ना, अपनी राइट चीक पे हाथ रख लेता है, क्योंकि उस साइड पे जूलिया ने ना स्लैप किया था। और फिर ना जो जमीन होता है वो ना जूलिया की तरफ देखता है, और जूलिया उसको ना देख के ना एक लुक बनाती है, और फिर कहती है कि ना वेल 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 पार्क जमीन, तुम्हें पता वेल तुम्हें पता मैंने तुम्हें स्लैप क्यों किया। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देख रहा होता है, और जो ना जूलिया होता है ना एक ना ऐसे डेवल से स्माइल करती है, और फिर ना वापस जिमिन की तरफ देखती है, और फिर ना उसकी तरफ थोड़ा झुकती है, क्योंकि उसने हाई हील्स पहनी थी तो वो जिमिन से ज़्यादा लंबी लग रही थी। तो वो ना जिमिन की तरफ थोड़ा झुकती है, और फिर कहती है कि ना तुम्हें पता है मैंने तुम्हें स्लैप किया क्योंकि मैं अपना रिवेंज लेना चाहती थी। वेल बिकॉज तुमने फुल कॉलेज के सामने मुझे रिजेक्ट किया था, मेरा प्रपोजल को तुमने रिजेक्ट किया था, फुल कॉलेज के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की थी, क्या कह के कि तुम कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, ये बोला था ना तुमने कि तुम मेरे स्टेटस से मैच नहीं करती, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरे लिए सूटेबल नहीं हो, ये बोला था ना तुमने। जिमिन वो इस तरह बोलते हैं, और फिर ना जिमिन की तरफ मुड़ती है, और ये बात सुन के ना जो योंगी और शुगा होते हैं वो शोक होते हैं, क्योंकि इस उन दोनों का इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और जूलिया उसको कैसे जानती है, और वो ये क्या कह रही है, और जिमिन का नाम उसको कैसे पता, उनको फुली आइडिया नहीं था, और वो शोक थे उसकी ये बात सुन के। और जो ना जैन होती है वो कुछ बोलने वाली होती है, तो ना जूलिया दोबारा बोलती है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखती है, और फिर कहती है कि ना वेल 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 जिमिन मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि ना असल मेरा रीजन क्या था तुम्हें स्लैप करने का। फर्स्ट मैंने तो तुम्हें मारा क्योंकि मैंने तुमसे रिवेंज लेना चाहती, और तुम्हें पता है ये काफी टाइम से, ये 3 ईयर से मैंने अपना स्लैप संभाल के रखा होता, कि कभी ना कभी तो मुझे इस तरह का मौका मिलेगा, कभी ना कभी तो मुझे कोई मौका मिलेगा कि मैं तुम्हें जोर से स्लैप करूं। बिकॉज मैं तुम्हें उस टाइम पे भी स्लैप करना चाहती थी, बट तुम्हारे वो तीनों बुद्ध दोस्त उनकी वजह से मैं तुम्हें स्लैप नहीं कर पाई। क्या नाम था उनका, किम थे, जियोन जंगकुक और वो बेवकूफ जंगहु सॉक। तुम चारों का है ना ये बेवकूफों का टोला, तुम्हें पता उस टाइम पे ना वो काफी प्रोटेक्टिव हो गए थे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफी प्रोटेक्टिव थे, जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्लैप नहीं करवाई थी। तुम्हें पता है खुजली होती थी मुझे तुम्हें स्लैप करने के लिए, तुम्हारे लिए मैंने अपने कितने बॉडी गार्ड्स को स्लैप किया था। हाँ बॉडी गार्ड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज वो मेरे पार्टनर्स भी थे, और वो बॉडी गार्ड से कम तो नहीं थे, बिकॉज मैं उनको जो कहती थी वो वही करते थे, और हमेशा मेरे प्रोटेक्टिव रहते थे। वेल तुमने नहीं देखा बट ना मैं काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ, जिसके पीछे वो मरते थे, और मैंने तुम्हें उस टाइम पे प्रपोज किया था 3 ईयर्स पहले, बट तुमने मेरी इंसल्ट करके मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बट अब देखो मैं कहाँ पे हूँ, तुम्हारे खुद के हस्बैंड्स तुम्हें एज ए स्लेव इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये कह के ना वो हंसने लग जाती है, और ना जो जूंगी और शुगा होते वो दोनों शोक हो जाते कि ना इसको पता है कि ना ये हमारा हस्बैंड है, और वो कुछ कहते नहीं है, बट और जूलिया की बातें सुन रहे होते, और जो जूलिया होते वो हंस रहे होते, और जो जीवन होता है वो झुक करके नीचे देख रहा होता है। और फिर ना जैन कहती है कि ना ये कौन है, जूलिया तुम इसको जानती हो, तो फिर कहती है कि ना ओ जैन बेबी तुम भूल गई इसको, ये वही जो है हमारे कॉलेज का हार्ट थ्रोब, और 4 ईयर्स तक हमारे कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट, और जो 4 ईयर्स तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना था, और जिसके पीछे हर कोई लड़के लड़कियां हर कोई पागल था, बट आज देखो जिसकी जिससे मैरिज हुई वो उसको एज अ हस्बैंड ना वो करा रहे हैं इंट्रोड्यूस। वो इस तरह देखते हैं, और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं, और फिर जैन कहती ओ अच्छा तो ये है वो पार्क जिमिन, वो इस तरह कह के ना वो भी हंसने लग जाती है, और वो दोनों ने जिमिन का मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर ना जुल गया था जिमिन की तरफ दोबारा से झुकती है, और फिर कहते हैं कि ना पार्क जिमिन ओ नो 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 मिन जिमिन, फिर कहती नहीं फेट वेल तुम्हें मतलब मैरिज के बाद ना हर किसी का ना सरनेम चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड का सरनेम मिलता है, तो तुम्हारा तो पार्क फिर हट गया, तुम्हें मिन मिला, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हस्बैंड्स ने तुम्हें ये राइट दिया कि तुम उनको हस्बैंड्स बोलो, तो तुम्हारे पास तो मिन का भी सरनेम नहीं है, इसका मतलब तुम सिर्फ जिमिन हो, सिर्फ और सिर्फ जिमिन, वो वाला जो प्राउडी जिमिन होता था, जिसको अपने ऊपर काफ़ी प्राउड था, वो वाला जिमिन कहाँ गया। हाँ
तो फिर ना वो जेमिनी की तरफ देखती है और फिर कहती कि ना इस तरह का फेस ना बना, पता है मुझे ना एक चीज करने का दिल कर रहा है। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देख रही होती है और जो जिमिन होता है वो ना जूलिया की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर ना जो वो ना जूलिया आगे कुछ बोलने वाली होती है तो फिर ना जिमिन ना एक वॉइस में बोलता है, बट वो नॉर्मल वॉइस होती है। और वो कहते हैं कि ना तो उस टाइम पे भी एक वो गोल्ड डिगर थी और अभी भी। तो फिर ना जूलिया ये सुन के ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो ना जिमिन के फेस पे स्लैप करने ही वाली होती है। तो जिमिन जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ फुली मोड़ देता है। और ये सीन देख के ना जो वो तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था वो इस तरह करेगा, क्योंकि उन जो फर्स्ट जैन तो इसलिए शॉक हो गई थी क्योंकि ना ये पहली दफ़ा था कि जूलिया ने के साथ किसी में ऐसा किया, क्योंकि जूलिया काफ़ी डेयरिंग पर्सन थी। और ये अलग बात है कि 3 years पहले उसकी इंसल्ट हुई थी, बट वो उन तीनों से डर गई थी जो जिमिन के फ्रेंड्स थे उनसे डर गई थी, जिसकी वजह से उस टाइम पर कुछ कर नहीं पाई थी। तो जो युंगी और शुगा थे उन्होंने ये चीज़ पहली दफ़ा देखी थी कि ना जिमिन इतना वो है, मतलब इस तरह का उन्होंने जिमिन को पहली दफ़ा देखा था। क्योंकि इस टाइम पे जो जिमिन का रूप था वो काफ़ी चेंज रूप था और वो ना गुस्से से ना जूलिया की तरफ देख रहा है और वो ना उसका हाथ मोड़ देता है और उसको ना एक ना फेंक देता है नीचे। और फिर ना जो जूलिया थी वो फ्लोर पर गिरती है और उसकी तरफ देखती है और उसको गुस्से से बोलती है कि जिमिन तुम्हें छोड़ूंगी तुम्हारी हिम्मत कैसे। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ झुकता है और उसकी जॉ को ना टाइटली पकड़ता है और फिर कहते हैं कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे स्लैप करने की। हाँ, और जहाँ तक बात है कि मेरे स्टेटस की और जहाँ तक मेरे प्राउड की, वो बात उसका मैं अभी कुछ आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसको आंसर देना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता। और दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड को मुझे एज अ सर्वेंट इंट्रोड्यूस करने की, तो वेल ये जहाँ तक ये बात है ना सर्वेंट वाली, तो मैं अगर फिर भी ऐसा सर्वेंट मुझे देखो ना मैं तुमसे कई गुना अच्छा हूँ, क्योंकि तुम तो एक स्लट, एक बेड वॉर्मर, जैसे कि तुमने बताया था मैं पीछे बहुत सारी लड़की है, तुम एक सिर्फ और सिर्फ स्लट हो। और यहाँ तुम उन दोनों के साथ भी सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फिर सिर्फ एक गोल्ड डिगर जिसको मनी और प्लेजर चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो फिर ना जूलिया कहती कि ना तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझसे इस तरह बात करो। तो फिर ना जो जूलिया थी वो कुछ करने वाली होती है तो फिर ना जो जिमिन होता है उसको एक जोर से स्लैप करता है और कहते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा बोलने की, आइंदा तुमने बोला तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जूलिया की तरफ देखते हैं और उसके ना बालों को टाइटली पकड़ लेता है और फिर कहते हैं कि ना आइंदा कभी हिम्मत भी ना करना मेरे बारे में इस तरह बोलने की, तुम शायद भूल चुके कि मैं कौन हूँ, मैं पार्क जीवन हूँ। और जहाँ तक बात है कि ना मुझे मिन सरनेम ना मिले कि वो तुम्हारा कंसेंट नहीं है, समझ आई, उस तरह बोलते और फिर खड़ा होता है। तो फिर ना जो जूलिया होती है उसको याद आता है कि ना यहाँ पे ना युंगी भी है, तो फिर ना वो जोर जोर से रोने लग जाती है, कहती बेबी ये देखो इसने मेरे साथ किया कि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ये बोलते। तो फिर ना जो युंगी होता है वो जिमिन को कहता है कि ना जिमिन सॉरी बोलो, उसको खड़ा करो, उसे सॉरी बोलो। तो फिर ना जिमिन कहते हैं मैं नहीं करूँगा, मैं कोई माना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ पर मैं सचमुच में कोई तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ, इस तरह बोलता है। तो फिर कहते हैं कि ना और जहाँ तक बात है मेरी, मैंने इसको स्लैप इसलिए किया था क्योंकि इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट किया और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है और मैं कभी भी इसको डाउन नहीं होने दूंगा, ये बोलता है। तो फिर ना शुगा कहता है कि ना शायद तुमने सुना नहीं युंगी ने क्या बोला, अभी के अभी जूलिया से सॉरी करो। तो फिर जिमिन कहते हैं मैं नहीं करूँगा, उससे से बोलते। तो फिर ना जिमिन को युंगी को गुस्सा आ जाता है और फिर ना जिमिन के पास आता है उसके फेस पे एक जोर से स्लैप कर देता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसके ना आइज में ना हार्ट और पेन होता है, बट आज जो वो हार्ट और पेन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था और वो शायद युंगी और शुगा नहीं देखना चाहते थे, बट पता नहीं क्यों उनके ना हार्ट में पेन हुआ था वो देख के। और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन ना एक लुक उनके तरफ देखता है और फिर ना उस लुक में ना काफ़ी हार्ट और पेन था। और फिर ना वो जूलिया की तरफ देखते तो उसकी ना रिस्ट को पकड़ता है और ना जोर से खींच के ना खड़ा करता है, जिससे ना जूलिया को फिर से पेन होता है कि देखो युंगी इसको ना ये दोबारा मुझे वो कर रहा है पेन दे रहा है। बट इस टाइम पे जो युंगी था वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जिमिन में ही खो चुका था, क्योंकि जिमिन काफ़ी ज़्यादा हर्ट लग रहा था। और फिर ना वो जूलिया की तरफ देखते और फिर कहते हैं कि ना आई एम सॉरी मिस चोई जूलिया, वो इस तरफ बोलती है और उसकी तरफ देखते हैं। और फिर ना उसके बाद ना वो ना जो युंगी की तरफ देखने लगते हैं तो पीछे उसके ना जो
क्लॉक पे उसके अंदर नजर जाती है और फिर अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और फिर ना वो यंगी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना अब दोनों की कॉफ़ी का टाइम हो गया, मैं कॉफ़ी लेके आया। तो फिर ना ये बोलते हैं वहाँ से जाने लगती है। तो फिर ना जो जूली होती है वो कहती है ना मेरे लिए भी ब्लैक कॉफ़ी लेके आओ। तो फिर ना जब जैन ये देखती है कि ना जो जूलिया ने इस तरह बोला तो ना जैन को भी थोड़ा ना वो मिलता है, करेज मिलता है। तो वो कहती है कि ना मेरे लिए भी ब्लैक कॉफ़ी लेके आना। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना फिर रुकता है और फिर ना पॉज होता है 2 मिनट के लिए, फिर उनकी तरफ दोनों की तरफ मुड़ता है और फिर कहते हैं कि ना जिन अपने गंदी फिलती हाथों से सबको सीड्यूस करती है ना उसी हाथ से जाके अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी भी बना लो। तो जो शुगर होता है वो देख रहा था योंगी को कि वो किस तरह स्टिफ होके खड़ा हुआ। तो फिर ना जो शुगर होता है वो ना थोड़ा अपने ना आपको मेंटेन करते बोलते कि ना जो इन दोनों ने कहा वो बना के लाओ। तो फिर ना वो जो जिमन होता है वो फिर ना शुगर की तरफ देखते हैं क्योंकि शुगर ने काफ़ी कोल्ड वॉइस में बोला था। तो फिर ना शुगर की तरफ वो देखते हैं जिमन और फिर कुछ कहता नहीं और फिर ना सर हाँ मिलाता है और वहाँ से ना अपना सर नीचे झुका के वहाँ से चला जाता है। और फिर ना जो योंगी होता है वो वहीं खड़ा देख रहा होता है और फिर ना वो शुगर की तरफ मुड़ता है और शुगर ना उसकी तरफ ही देख रहा होता है। दोनों का ना आई कॉन्टैक्ट होता है और फिर ना जैसे वो आंखों में कुछ ना कुछ इशारे करके बात कर रहे हैं। तो फिर ना जो जूली होती है वो जब यूंगी जिमिन चला जाता है तो ना उसकी तरफ ना बहुत गुस्से से देख रही होती है क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ चुका होता है। और फिर वो देखती है कि ना यूंगी की तरफ, तो फिर ना यूंगी का हाथ पकड़ती है और कहती है बेबी मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरा चिक्स पे, वो इतना बोलती। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कुछ कहता नहीं और उसको ना लेके आ देते हैं, उसको काउच पे बैठा देते हैं। बट इस टाइम वो उसको अपने उसमें नहीं बिठाता लैब पे, और वहीं पे ना वो जैन को भी बिठा देते हैं शुगर, और फिर ना वो भी ना यूंगी के साथ आगे बैठ देते हैं और दोनों की ना काउच आमने सामने था। तो फिर ना वहाँ बैठे थे और फिर ना कुछ बातें बोलने लगते हैं और फिर ना जो जूली होती है वो कहती कि ना क्या हुआ बेबी मैं तुम्हारे पास आऊँ, वही सर बोलते। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी हमने कॉफ़ी पीनी है तो मैं नहीं चाहता तुम्हें हार्ट हो जाए, तुम आराम से बैठो कॉफ़ी पीने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, वो इस तरह बोल देता है। क्योंकि वो इस टाइम ना जूलिया को यहाँ अपने पास आने नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों, बट उसको ना अजीब फील हो रहा था जूलिया के साथ और उसको गुस्सा आ रहा था कि ना जूलिया की हिम्मत कैसे हुई जीवन के साथ ऐसे बिहेव करने की। और ना इस साइड पे जो शुगर था वो ना जीवन के बिहेव के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि अचानक से जैसे उसने क्लॉक की तरफ टाइम देखा तो काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन उसने दिया था, जैसे उसके एक्सप्रेशन फुली चेंज हो गए, वो अलग पर्सन बन गए, उसके इमोशंस ही चेंज हो गए थे। और उसने देखा तो उसको याद था कि जीवन कैसे हर्ट हुआ था उनकी बातों से और जूलिया ने कैसे उसको ना स्लैप किया था और ना जिमिन की वो चिक रेड हो चुकी थी तो, और उसमें ना उसके नेल्स के भी निशान पड़ चुके थे क्योंकि उसके नेल्स उसने ना जोर से ऐसे करके नेल्स मारे थे जिससे ना नेल्स का भी निशान पड़ गया था और वहाँ ना उस साइड पे। बट वो कुछ बोलता नहीं और फिर ना दोनों ना जिमिन की ना बातों में खोए हुए होते हैं। तो उस टाइम पे जो जिमिन होता है वो आ जाते हैं वहाँ पे और वो फर्स्ट योंगी को सर्व करते हैं कॉफ़ी और तीन चारों ही ब्लैक कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी होती है, ब्लैक और हॉट होती है। तो फिर ना वो पहले शुगर और जिमिन शुगर और यूंगी को सर्व करते हैं, उसके बाद जैन को करते हैं, उसके बाद जूलिया को करते हैं। जैसे जूलिया का पकड़ने लगती है तो फौरन ना वो ना कप छोड़ देते हैं जिससे ना वो जो जिमिन के ना हाथ पे गिर जाता है और वो काफ़ी ना हॉट होती है जिससे ना जिमिन का हाथ जल जाता है और फिर ना वो उसके हाथ पे जो ट्रे होती है वो गिर जाती है और वो अपने हाथ को पकड़ लेता है। तो फिर कहती है जूलिया कहते ओ आई एम सॉरी मेरा करने का ये मतलब नहीं था, वो इस तरह बोलते। और फिर ना एक स्मक लेके ना यूंगी जिमिन की तरफ देखते हैं और जो यूंगी और शुगर होते वो भी ये देख रहे थे बट कुछ बोलते नहीं है। और फिर ना जो जिमिन होता है उसका ना हाथ उसी टाइम बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था। तो फिर ना वो फ़ौरन ना ट्रे उठाते हैं और फिर ना उस मेस को क्लीन करते हैं और फिर ना वहाँ से ना फ़ौरन भाग जाता है। तो फिर ना वहाँ से भागने ही वाला होता है तो उस टाइम पर जूलिया कहती है कि ना मेरी कॉफ़ी गिर गई, मेरी वेस्ट हो गई और मुझे इसी टाइम कॉफ़ी पीनी है। तो फिर ना जो जो शुगर होता है वो आगे जो जिमिन है उसको ना ही जिमिन को ना ही कुछ बोलने देते और ना ही जो जूलिया थे उसको कंटिन्यू करने देता और फिर कहते कि ना तुम मेरा पी सकती हो, वो इस तरह बोलते। और फिर ना उसने हाफ पी होता है तो फिर ना जूलिया कहती है नहीं नहीं आप ये मैं
मैं युंगी का ले लूंगी, ठीक है बेबी, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? तो फिर ना जो युंगी कहते कहना नहीं मुझे कोई मसला नहीं, वो इस तरह बोलते हैं, और फिर ना नॉर्मल वॉइस होती है, तो फिर ना जीवन को काफी हार्ड होता है, क्योंकि उन दोनों ने आज तक उससे नॉर्मल वॉइस में बात नहीं किया था, बट इनसे कर रहे थे, तो फिर ना उसको काफी हार्ड होता है, और फिर वो अपने फीलिंग्स को वहां से छुपाते हैं, अपने ना वो पेनफुल एक्सप्रेशन को छुपाता है, फौरन अपने रूम में भाग जाता है। और अब हम देखते हैं 2 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे वो जो दोनों होते हैं वो मेकआउट कर रहे होते चारों ही एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो युंगी था उसको कुछ अच्छा फील नहीं आ रहा था जूलिया के साथ और ना ही शुगा को, और वो दोनों ना उसको भेज देते हैं, बट ना वो जूलिया का ना जो शुगा होता है वो एड्रेस पूछ लेता है, और उसका साया साया कह रही और उसका ना सारा ना एड्रेस पूछ लेता है, उसके ना काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में पूछ लेता है, और कुछ पर्सनल बातें भी। और जो युंगी था वो बस खड़ा सुन रहा था, ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि उसको जिमिन की फिक्र लगी हुई थी, वो ये मानना नहीं चाहता था, बट वो जिमिन को इस टाइम देखना चाहता था, ये कंफर्म करना चाहता था कि जिमिन ठीक है, क्योंकि उसको पता था जिमिन इस टाइम ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके पेनफुल एक्सप्रेशंस उन्होंने देखे थे।